नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो आज हम सॉल्व करते हैं टाइम और वर्क से रिगार्डिंग एक नया क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ए इज फोर टाइम्स एज एफिशियंट ऑफ वी, मीन्स कि ए का जो कार्य करने की क्षमता है वो बी के कंपेरिजन में फोर टाइम्स ज़्यादा करता है। तो ए को अब ए जल्दी काम करता है और फास्ट काम करता है, तो ए के जो काम करने के दिन होंगे वो क्या होगा, कम होंगे एज कम्पेयर टू बी। क्या है कि ए क्या है, फास्ट है और बी स्लोएस्ट है। तो ए हम मान लेते हैं कि ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, ठीक है, हमने इसे सपोज कर लिया। तो अगर हम बी की बात करें तो बी क्या है, फोर टाइम्स, ये क्या था, फोर टाइम्स, ये क्या स्लोअर है बी, क्योंकि ए इज फोर टाइम्स इफिशियंट है। तो इसको ये क्या होगा, फोर एक्स डेज लगेंगे, ये क्या होगा, ए के कंपेरिजन में चार गुना इसको टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, एंड फिनिश द ए टास्क 45 डेज अहेड ऑफ बी, मतलब क्या है कि जो ए है वो बी के कंपेरिजन में 45 डेज पहले काम कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 4x माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा 45, क्योंकि जो बी किस बी 4x डेज में काम कंप्लीट करता है और ये क्या ए है जो x डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन फिनिश ए टास्क 45 डेज अहेड ऑफ बी, मतलब ए उस काम को 45 दिन पहले ही कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 15 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए की वैल्यू, तो ए इक्वल टू क्या, x डेज, तो x की वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा। और यहाँ पर सेम यहाँ पर लिखेंगे तो बी इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 15, तो क्या 15 × 60, तो 60 ये 60 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टास्क, ये बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उसको कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको ट्रिक बताया था कि जब इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा हो तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। पहला आपको निकालना है टोटल यूनिट, निकालना है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। और नंबर दूसरा आपको निकालना है यूनिट पर डे, निकालना है कि अगर दोनों के द्वारा पर डे एक दिन में कितना यूनिट वर्क किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल यूनिट निकालते हैं एलसीएम ऑफ गिवन डेज, जो कि जो टाइम दिया हुआ है इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 15 का एलसीएम और 60 का एलसीएम, तो यहाँ पर लेंगे तो आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 यूनिट आपका काम है, 60 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर हम अगर ए की बात करें, ए की बात करें तो ए क्या है, ए का यूनिट पर डे निकालें, हमने निकालिया टोटल यूनिट निकालिए, अब आपको निकालना है यूनिट पर डे। तो यूनिट पर डे में टोटल यूनिट अपॉन टोटल डेज ए के द्वारा, तो टोटल यूनिट तो आपका सेम है, कितना 60 दिया हुआ है, और टोटल डेज कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, तो 15 × 60, तो ये 4 यूनिट पर डे आ गया, मतलब ए उस काम को एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी में क्या होगा, टोटल यूनिट 60 दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसके लिए डेज क्या है, वो भी 60 है, तो ये कितना करता है, 1 यूनिट पर डे करता है, मतलब ये एक दिन में केवल एक यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन में अब कहा गया है कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली, ये दिया हुआ है बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे तो ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 5, 4 + 1, तो 5 हो जाएगा, 5 यूनिट पर डे, मतलब कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर लेंगे, ठीक है। हमको निकालना है टोटल डेज, कि टोटल डेज कितने लगेंगे, तो टोटल डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट, टोटल यूनिट आपका कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और यूनिट पर डे, मतलब दोनों के द्वारा कितना यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट किया गया है, तो आपका दिया हुआ 5 यूनिट पर डे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, तो यहाँ पर हमारा आ गया 12 डेज, तो मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को वो 12 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और इससे रिगार्डिंग आप न्यूमेरिकल और भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी टेक्निकल या फिर एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो थैंक यू।